बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दो रेसिपीज़ लाई हूँ। चलिए जी इसे बनाना जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिए। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया था और उसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल और 8 से 10 काजू ले लिए थे मैंने। एक बड़ी साइज़ की प्याज को कट कर लिया था और एक छोटा सा टमाटर को भी कट कर लिया था। अब ये तीनों चीज़ों की मैं ऑयल में अच्छे से भुनाई कर लूँगी। इसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए। पाँच मिनट हो गए थे, ये अच्छे से बॉयल हो गई थी और पानी भी इसका सूख गया था, तो मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। इसके बाद इसका मैं एक पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब बीफ का कीमा ले लिया था। इसके बाद कीमे को ग्राइंडर जार में मैंने और बारीक सा चॉप कर लिया था। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था और इसका सारा पानी निचोड़ लिया था। पानी बिल्कुल रहना नहीं चाहिए इसमें। इसके बाद 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली थी और थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए थे, वो दोनों को भी मैंने चॉप कर लिया था। इसके बाद मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब और जीरा पाउडर 1 टीस्पून के करीब, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून के करीब और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून डालूँगी मैं। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी और होममेड गरम मसाला पाउडर डालूँगी 1/2 टीस्पून और चिली फ्लेक्स डालूँगी मैं 1/2 टीस्पून के करीब। स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने थोड़ा से स्पाइसी बनाए थे ना तो मैंने मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा किया है और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाला था बेसन। और सारी चीज़ों के मैं अच्छे से मिक्स करने से पहले थोड़े से धनिए के पत्ते चॉप करके डाल दूँगी। इसके बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसी तरीके से कबाब ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को कबाब बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैंने कीमे को बिल्कुल रेडी कर लिया था मसालों के साथ। इसके बाद मैंने 4 अंडों को बॉयल कर लिया था और अंडों में मैं फॉक से थोड़े से कट लगा दूंगी ताकि ये ऑयल में जाके फट ना जाए। इसके बाद मैं थोड़ा से कीमा ले लूंगी हाथ में और इसमें मैं रख दूंगी अंडा और अंडे पे ये कीमे को अच्छे से फोल्ड कर लूंगी और इसको अच्छे से कोट कर लूंगी ऊपर से। आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरीके से इसको कोट कर लिया है कीमे को अंडे पे। सेम तरीके से सारे अंडों को मैं कोट कर लूँगी। इसके बाद मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और मीडियम आंच कर दी थी वापस। जब तेज़ वाली आंच पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था ना तो आंच को थोड़ा मीडियम कर दिया था ताकि कीमा अंदर तक पक जाए। कीमा कच्चा था ना, एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो गए थे ना, तो मैंने दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लिए थे और दोनों साइड से अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे ना तो मैं इसको निकाल लूँगी। और मैंने कोफ्तों को निकाल लिए थे। उसके बाद मैं इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी, तो मैंने थोड़ा से ऑयल निकाल लिया था, वही ऑयल में मैं ग्रेवी बना लूँगी। तो मैंने इसमें डाला था साबुत जीरा 1 टीस्पून, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची। इसके बाद डालूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब और कुछ मसाले डालूँगी। तो मैं मसाले इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं डालूँगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब होममेड गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर डालूँगी और थोड़ा से पानी डाल के मसाले की अच्छे से भुनाई करूँगी मैं ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से भुनने लगे। इसके बाद सॉल्ट मैं थोड़ा से डालूँगी क्योंकि मैंने आलू भी
प्याज, अरे प्याज और टमाटर, काजू में भी मैंने सॉल्ट डाला था और कोफ्तों में भी मैंने सॉल्ट डाला है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट थोड़ा ही डाला है। अब ये सारी चीज़ों की अच्छे से मैं भुनाई करूँगी, और जैसे ही मसाला भुनने लगेगे ना, उसके बाद ही मैं इसमें डालूँगी काजू टमाटर और प्याज का पेस्ट जो मैंने ग्राइंड करके रखा था। और पेस्ट डालने के बाद मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी और ढक के रख दूँगी, और यहाँ अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी मैंने, और इसको ढक के मैं मीडियम आंच पे छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए मसालों के साथ। इसी तरीके से ग्रेवी ज़रूर बनाएं, ये बहुत मज़े की बनती है। आप चिकन की ग्रेवी भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। और 5 से 7 मिनट हो गई थी, मसाले और काजू और प्याज का पेस्ट भी अच्छे से पक गया था, तो मैं इसमें दूध की जो नॉर्मल मलाई होती है ना, वो 2 चम्मच डाल दी थी। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाला था। पानी डालने के बाद मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी और मीडियम आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका दूँगी ताकि कोफ्ते भी अच्छे से सॉफ्ट होके पक जाए। और ये रेडी हो गए थे, 5 से 7 मिनट हो गई थी। मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते डाले थे और इसको डिसआउट कर दिया था। और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितनी बेहतर बनी है, और अंदर से भी कोफ्ते कितने बेहतर बने थे। आप लोग को ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। इसके बाद मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा जो मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट है, तो छुट्टी वाला दिन था तो सोचा कि उनकी फेवरेट डिश भी बना लेती हूँ मैं। तो मैंने बनाई थी सूजी, तो मैंने आधी प्याली मैंने डाल दिया था होममेड घी कढ़ाई में, और उसके बाद 1 कटोरी के नाप से मैंने ली थी सूजी। सूजी बारीक वाली, मोटी वाली कोई भी आप ले सकते हो। इसके बाद सूजी की मैं लगातार भुनाई करूँगी, जब तक भुनाई करूँगी तब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और उसमें से सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। और मेरे पास चाशनी बनी बनाई हुई थी, और अगर आप चाशनी बनाना चाहते हो सूजी के लिए, तो ये कटोरी के नाप से चीनी ले लीजिए और उसी कटोरी के नाप से पानी, और 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ शुगर सिरप बनाना है वो इसमें ऐड करना। पर मेरे पास चाशनी बनी बनाई हुई थी ना, तो मैं उसे ऐड कर दूँगी। मैंने अभी तो फ़िलहाल मैं सूजी को अच्छे से भून लूँगी, और आप देख सकते हो माशाल्लाह से इसका कलर चेंज हो गया है, ब्राउन कलर हो गया है। अब मैं डाल दूँगी चाशनी, तो मैंने 3 चम्मच के नाप से चाशनी डाली थी। आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। चाशनी डालने के बाद मीडियम आंच पे मैंने इसको अच्छे से पका लिया था, तब तक पकाया था जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ ना दे और इकट्ठा ना होने लगे। और यहाँ पे बीच में मैंने थोड़े से काजू और थोड़ी सी मैंने किशमिश डाली थी इसमें। ड्राई फ्रूट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, बादाम, पिस्ता, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। और अभी भी मैंने लगातार सूजी को पकाया था, अभी अच्छे से पक गई थी, इसने कढ़ाई को छोड़ने लगी थी, तब मैंने इलायची पाउडर डाला था 1 टीस्पून के करीब। अब मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, और आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितनी बेहतर मेरी सूजी का हलवा बना है। अब मैं इसे डिसआउट कर दूँगी। और मैंने थोड़े से मिनी समोसे भी बनाए थे वेजिटेबल, इसकी रेसिपी मैं आपको मेरी चैनल पर कई बार दे चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। और आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। चलती मुझे, अल्लाह हाफिज़।